हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब आपको इंटरनल हार्ड ड्राइव बाय करते हैं तो क्या करते हैं आप, उसको कैबिनेट के अंदर लगाते हैं। कैबिनेट अंदर लगाने के बाद उसको साटा केबल के थ्रू आप क्या करते हैं, उसे किसी भी पोर्ट में इंसर्ट कर देते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो मेथड होता है गलत मेथड होता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा मेथड होता है जिससे आपको अपनी साटा केबल है जो करेक्ट पोर्ट में डालनी होती है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो भी हमारी हार्ड ड्राइव होती है उन सबकी स्पीड अलग अलग होती है। जैसे जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है साटा वर्जन 1, उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 1.5 GB/s, या उसे हम मेगाबाइट्स में कहें 150 MB/s। ऐसे ही जो हमारी साटा वर्जन 2 होती है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 GB/s, या उसे हम मेगाबाइट्स में बोल सकते हैं 300 MB/s। ऐसे ही जो साटा वर्जन 3 होती है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 6 GB/s, या हम उसे कहें 600 MB/s। दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारे मदरबोर्ड होते हैं, जो पुराने मदरबोर्ड होते हैं या फिर जो हमारे लोअस्ट बजट के मदरबोर्ड होते हैं, उनमें क्या होता है कि कई बार जो पोर्ट होते हैं साटा पोर्ट, वो 2 भी दिए होते हैं, 4 भी दिए होते हैं, 6 भी दिए होते हैं। और उसके साथ क्या होता है कि उनकी जो साटा वर्जन की स्पीड होती है वो लोएस्ट वर्जन की स्पीड होती है। मतलब जो उनकी साटा स्पीड होती है साटा वर्जन 1 होती है, साटा वर्जन 2 होती है, या फिर कईयों में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे कि साटा वर्जन 2 भी हुआ और साटा वर्जन 3 भी। मतलब दो पोर्ट जो होंगे उसमें साटा वर्जन 2 के होंगे और बाकी जो दो पोर्ट होंगे वो साटा वर्जन 3 के होंगे। तो क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि हमने कोई हार्ड ड्राइव बाय की है, हार्ड ड्राइव बाय की जिसकी स्पीड होती है 6 GB/s, तो हमने वो हार्ड ड्राइव बाय की और हम उसमें लगाना चाहते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने जो हार्ड ड्राइव है अपने सिस्टम में लगाने के बाद और उसमें जो अपनी साटा केबल लगाने के बाद, तो क्या करते हैं उसको हम मान लीजिए कि जिसकी साटा वर्जन 2 की स्पीड है उसमें लगा देते हैं। मतलब हमें पता नहीं है उस चीज़ का। और फिर क्या होगा कि हमारी हार्ड ड्राइव की स्पीड तो 6 GB/s की है और मदरबोर्ड की जो कैपेसिटी है वो डाटा ट्रांसफर करने की हार्ड ड्राइव में वो है 3 GB/s उस पोर्ट के थ्रू। तो क्या होगा कि हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो इतना परफेक्टली वर्क नहीं करेगी। मतलब वो उसकी जो स्पीड होती है हाई वर्जन की वो काम नहीं करेगी। वो जो हार्ड ड्राइव होती है उसकी सिर्फ हाफ ही स्पीड हम जो है यूज़ कर सकते हैं। अब उसकी दोस्तों की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी 3 GB/s, क्योंकि हमने हार्ड ड्राइव की जो केबल है वो साट वर्जन 2 में लगाई है। अब कईयों के मन में सवाल होता है क्या ये चल पड़ेगी ऐसे हार्ड ड्राइव, मान ली कईयों में 6 GB/s का पोर्ट ही नहीं होता। तो दोस्तों, चल तो पड़ेगी पर आपको उसकी हाफ ही स्पीड मिलेगी, उसकी फुल पोटेंशियल पे आप वो आपको स्पीड नहीं मिलेगी हार्ड ड्राइव की। अगर मान लीजिए आपके जैसे इस बोर्ड में दिए हुए हैं दो पोर्ट जो हैं साटा वर्जन 2 के हैं और दो पोर्ट जो हैं साटा वर्जन 3 के हैं। अब मान लीजिए कि हमारी जो हार्ड ड्राइव है साटा वर्जन 3 की है जिसकी स्पीड जो है 6 GB/s, आपके मदरबोर्ड में भी जो है साटा वर्जन 3 का जो पोर्ट है, अगर आप उसमें जो अपनी साटा केबल लगाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो फुल पोटेंशियल पे काम करेगी। मतलब वो मदरबोर्ड से भी जो डाटा ट्रांसफर होगा हार्ड ड्राइव के अंदर या रीडिंग जो राइटिंग स्पीड होगी वो 6 GB/s ही होगी, मतलब उसके नियरली अबाउट ही होगी। तो दोस्तों, ये जो मेथड होता है ये सही मेथड होता है कि हमें ये पता लगाना होता है कि हमारे मदरबोर्ड में कौन सा साटा वर्जन है। जैसे आप ये देख सकते हैं, आपको उसमें डाटा केबल लगानी चाहिए अपने हार्ड ड्राइव के हिसाब से। मान लीजिए कि आपकी हार्ड ड्राइव जो है 3 GB/s की है और आपके साटा पोर्ट वर्जन 1 है, तो आप अगर में लगाएंगे तो उसको आपको स्पीड हाफ मिलेगी। अगर मान लीजिए आपकी हार्ड ड्राइव जो है 3 GB/s की, तो आपको हमेशा पोर्ट जो होता है 3 GB/s में ही लगाना चाहिए अगर आपके मदरबोर्ड में अवेलेबल है। अगर आपके मदरबोर्ड में उससे हायर पोर्ट का अवेलेबल नहीं है तो आपके पास और कोई मेथड नहीं बचता, तो आपको लोअर वर्जन में ही अपनी जो है साटा केबल लगानी पड़ेगी। पर दोस्तों, जो आजकल के मॉडर्न जो मदरबोर्ड जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है कि हमारे जो पोर्ट दिए होते हैं, चाहे वो 4 पोर्ट दिए हों या फिर जो 6 साटा पोर्ट दिए हों, उनमें जितने भी ज़्यादातर आप देखने को मिलेंगे आपको साटा वर्जन 3 ही देखने को मिलेंगे। उसमें आपको साटा वर्जन 1, साटा वर्जन 2 ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी इंटरनल हार्ड ड्राइव की जो केबल होती है वो कौन से पोर्ट में लगानी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप जो इस तरह के नोटफुल वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें।